स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबोदोज्वलांगं कटितट विलसत चारुपीतांबराढ्यं वंदे निखिल गदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। सुबह सुबह के हमारे प्रातःकालीन अष्टांग हृदय के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र जी, जगीर जी, राम कुमार जी, वैद्य शशि तिवारी जी, बीना जी, राजकुमार जी, सूरज जी, डॉक्टर नेहा जी और मैडम मंजना जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चाहें तो मैडम जी शेयर कर सकती हैं। हमने आज आई थिंक 12वां सूत्र पढ़ना है, तो तब तक मैं 12वां सूत्र पढ़ देता हूँ। मैडम आप चाहें तो शेयर कर दीजिएगा। जी मंजना जी, मैडम नमस्कार। चलिए मैं तब तक सूत्र पढ़ता हूँ, मेरी आवाज आ रही होगी आपको। 12वां सूत्र हमने आज करना है। सूरज जुंगारे जी, आप वो सूत्र मिल गया पीडीएफ? पीडीएफ में सर मिल, जी सर हाँ सर सुपर है मिल सर, गया, बिल्कुल मसा मिल गया सर। जी शेयर करना आया आपको, नहीं आया? आएगा सर, करूँ क्या शेयर? चलो करो, जरा शेयर करो, करिए देखें। सर, करिए करिए करिएगा सर, सर, एकदम है, करिए आप करके देखिए। जी सर, मैंने आपको पोज बना दिया, आप उसको आयुर्वेद शेयर करो, उस पेज को शेयर करो। भूतभर्जितम घृतभर्जितम। तब तक मैं पढ़ता हूँ इस सूत्र को। ठीक ये है हमारा कल हो गया था शायद, कि क्षीरेण एरंड तैलम च प्रयोगेण पिबे नरः बहु दोष वीर्यकार्थे जीर्णे क्षीरोदनाशन। ये शायद हो गया था, बहु दोष वाले रोगी विरेचन के लिए दुग्ध के साथ एरंड तेल को प्रतिदिन प्रायोगिक रूप से पिए और जीर्ण हो जाने पर दूध और भात खाएं। क्या बात है, सूरज जुंगारे जी ने शेयर करना सीख लिया। सब सिखा देंगे आपको, चिंता ना करें। चलिए, एक तरीका और है कि आप जो सूत्र हमें पढ़ना है उसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे तो वहां पर डायरेक्ट भी हो जाता है। हाँ ये देखिए, क्या बात, बहुत ही अच्छा है। देखिए तो आपने शेयर कर दिया, बहुत अच्छा, इससे अच्छा रहता है, हमारा सेशन बढ़िया हो जाता है। तो अब हमने आज जो है वो कौन सा सूत्र पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है 12वां सूत्र। तो क्यों नहीं आप ही पढ़ें इसको, सूरज जुंगारे जी पढ़िए पढ़िए, शेयर हो गया है, 12वां सूत्र पढ़िए हमारे जी, पढ़िए। प्यारी आवाज, शेयर हो गया आपका, शेयर हो गया, शेयर हेलो। हो गया था आपने, शेयर तो है वो। हाँ उसको सामने रखो। हाँ, कषाय कषायम अभयानाम वा पायये द्रुतभर्जितम शिरा अनुपानम त्रिवृत्ता चूर्ण द्राक्षारसेन वा। उसका अर्थ बताइए। सर अर्थ अर्थ हम बता देते हैं, कसाय अभयानाम वा पायेद घृत वर्जितम। उसको रहने दीजिए, उसको ठीक है, उसको छेड़िए मत, उसको जो जैसे था वैसे ही रहने दीजिए। हाँ उसको ऐसे ही रहने दीजिए, मोबाइल को फिक्स कर दीजिए। और कहते हैं कसाय अभयानाम वा पायेद घृत वर्जितम, यानी हरड़ के कसाय को घृत में भून कर, कसाय को पुनः पीना है घृत वर्जितम घी में भून कर, क्षीरानुपानम त्रिव्रता चूर्णम द्राक्षारसेन वा
और कह रहे हैं कि जो है निषोध के चूर्ण को दुग्ध के अनुपान से या द्राक्षारस के साथ पीना है। ठीक है जी, यह इसका अर्थ। तो आप संस्कृत टीका मैडम अंजना जी आप पढ़ दीजिए मैडम, और फिर इसका अर्थ भी बता दीजिए। जी जी सर, इसमें सर यही है, अथवा हरिति के नाम क्वाथा घृत वर्जितम पायेत त्रिरता मूल चूर्णम क्षीर अनुपानम द्राक्षारसेन वा पायेत। वही ऐसा सेम है, बहुत समानता सेम। इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने बोला है कि हरित की के क्वाथ को कषाय कषायम क्लियर हो गया। अभी मतलब हरित की और हरित की के कषाय को वा पायेद घृत भर्जितम, वा पायेद घृत भर्जितम, मतलब उसको हमने घृत के साथ जो है या तो उसको छोक लिया या उसके अच्छे से भून लिया, और घारण के क्वाथ को जो है घृत में छोक कर उसमें, क्योंकि इसमें क्वाथ है तो उसको हमें छोकना ही होगा, घी उसमें हमें अच्छे से गर्म करके मिलाना होगा और फिर उसको पीना है। अथवा दूसरा बोला क्षीरा अनुपानम त्रिविता चूर्णम द्राक्षारसेन वा, अथवा निषोध के चूर्ण को दूध के साथ पिए और या फिर जो है द्राक्षा के रस को पिए। तो तीन कल्पना इन्होंने हमें एक सूत्र में बता दी है। बहुत बढ़िया। तो ये इस प्रकार से आपने ये जो चैप्टर है इसमें वात शोणित की अलग अलग कल्पनाएं भी जान रहे हैं, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी जान रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ बताई गई है। तो वात शोणित के मरीज आते हैं, हमें बहुत ये सब चैप्टर्स बड़े प्रैक्टिकल हैं जिनका हम लोग जो है प्रयोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में करते हैं। चलिए अब जो है सूत्र 13वां सूत्र है, ये बड़ा अच्छा सूत्र है, इसको कौन पढ़ेगा? बीना कनाडे जी मैडम आप पढ़िए इसको, सामने आपके सामने सूत्र आ रहा है। जी निरहरे द्वामलं तस्य सघृतैः क्षीरबस्तिभिः नहि बस्ति समं किञ्चित् वातरक्तचिकित्सितम्। वाह, इसका अर्थ ये है, वा ऊपर का जो श्लोक है उसके लिए का है, वा घृत डाल के बस्ती दूध से बस्ती दे के उसका मल निकालना है, क्योंकि वात रक्त पर बस्ती जैसा दूसरा कोई औषध नहीं है, दवा नहीं है। बहुत अच्छा बताया इसमें, इसमें एकदम सही आपने पढ़ा कि कहते हैं कि निरहे द्वा मलम तस्यम सघृते क्षीर बस्ति भी, यानी वात रक्त के रोगी को दोषों को घृत मिश्रित जो क्षीर बस्ती है दुग्ध की बस्ती है उससे आप उसके दोषों को निकालें। और यहाँ पर कहा है नहीं बस्ती समम किंचित रक्तवात रक्तम चिकित्सितम, यानी कि बस्ती के समान वात रक्त की दूसरी कोई चिकित्सा नहीं है। आगे कहते हैं विशेषत पायु पार्श्व रू परवास्ति जठरार्तिषु, यानी कि विशेषकर गुदा में, पायु का मतलब गुदा है, पार्श्व है, उरु है, पर्व है, अस्थि है, और उदर की पीड़ा, इन सभी में बस्ती उत्तम उत्तम है। तो क्षीर प्रधानो क्षीर बस्ती, क्षीर प्रधानो बस्ती क्षीर बस्ती, यानी यहाँ पर क्षीर बस्ती की बात की गई है। यही इसकी पे ही संस्कृत वो तिक्तक क्षीर बस्ती का ही यही उल्लेख है सर, जी जी ऐसा। जी जी अब इसके इसके संस्कृत टीका भी पढ़ दीजिए कोई। जी हाँ पढ़ू क्या? और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं ना, कोई और पढ़ना चाहती है? सविता जी मैडम जी और के एन गंगवार सर, कोई नेहा जी, कोई भी पढ़ सकते हैं जी। शशि तिवारी जी कोई पढ़ना चाहे पढ़िए, एनी वे एनी बडी, चलिए आप ही पढ़िए मैडम जी, पढ़िए अथवा पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए आदित्य जी पढ़िए। अथवा तस्य वात रक्तवतो मल शीर बस्ती भिर्ष बस्ती भी घृता हाँ गृतान विते निरहते निरहरेत निरहरेत घृतान विते निरहरेत यस्मा यस्मा दृष्टि तुल्य नान्य नान्य वात रक्त नान्य चिकित्स वात रक्त चिकित्सितम मत अस्ति चिकित्सितम इत्तम अस्ति अस्ति विशेषेण पाय वा वात पीडासु बस्ती हित अस्ति बस्ती बस्ति हिर हित। यहाँ पे यही हित कहा है कि यानी कि जो वात रक्त वत जो मल है उसको हम क्षीर बस्ती से, जो अभी ऊपर बताई गई है कि घृतान्वित जो घृत के साथ में अभी आपको जो पहले बताया गया कि घृत मिश्रित क्षीर बस्ती से आप उसका जो है वो निरहरित का मतलब निर्हरण करें। और आगे कहते हैं यस्माद वस्ति तुल्यम, जो इस प्रकार से जो हम बस्ती देते हैं, जो इस प्रकार की जो बस्ती है
ना अन्यद वात रक्त चिकित्समस्ति, यानी वात रक्त की चिकित्सा में उससे कोई बेहतर और चिकित्सा नहीं है। और विशेषणम का मतलब विशेष रूप से, पायवद पीड़ा सुपस्थित, जो गुदा प्रदेश आदि में जो पीड़ा हो रही है उसके लिए भी ये बस्ती बहुत हितकारी है, यही बताया है ना जी अंजना मैडम जी। इस पर कुछ बताना हो तो बताइए जी। जी सर, सर यही चरक जी ने भी एकदम बिल्कुल सेम का सेम श्लोक भी है, और यहीं पे यहाँ भी बताया गया है कि जो वात रक्त है, वात रक्त में घृत मिश्रित करके क्षीर वस्ती का प्रयोग करिएगा। उन्होंने साफ बताया कि जब भी हम क्षीर देंगे तो घृत मिश्रित होना चाहिए, घृत मिश्रित क्षीर वस्ती का प्रयोग किया जाएगा। और इसके इससे क्या होता है कि वात रक्त ग्रस्त रोगी का जो जितने भी दोष है वो बाहर निकल जाते हैं। और ये स्पेशली बताइए, जैसे अभी पढ़ा हम लोगों ने कि वात रक्त की चिकित्सा में बस्ती के रोग के समान कोई अन्य चिकित्सा नहीं है। इसके अलावा इन्होंने और एक श्लोक आगे बताया है कि इन्होंने लिखा है कि वस्ती वक्षण पार्श्व उरु पार्श्व अस्थि जठरातिषु उदावर्ते च शस्यन्ते निरोहा सानुवासना। मतलब कि यदि वस्ती के स्थान में वक्षण प्रदेश में, उन्होंने मतलब ये बताया कि पीड़ा अगर जहां जहां होती है तो बस्ती वक्षण पार्श्वयो उरु पर्व अस्थि जठरा, मतलब पार्श्व हो गया, बस्ती हो गई, वक्षण प्रदेश हो गया, उरु प्रदेश हो गया, पर्व संधि जैसे संधियों में बहुत पेन होता है, अस्थि और उदर में अगर यहाँ यहाँ पीड़ा होती है, वात रक्त का रोगी है, तो फिर वायु की जो विपरीत गति होने के कारण इस तरह की पीड़ा होती है, उदावर्त अगर हो जाता है तो फिर वहां अनुवासन बस्ती के साथ निरु बस्ती का प्रयोग करना उत्तम होता है। ये इन्होंने एक क्षीर बस्ती के बाद एक श्लोक और ऐड किया है। जी सर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया मैडम आपने। तो ये हमने अभी क्षीर अवस्थी थैंक यू का सर प्रयोग जो है जी। वो देखा, और मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि मैं जो है वो क्षीर बला तेल की बस्ती लेता हूँ, मात्रा बस्ती, उसमें भी कहीं ना जी कहीं क्षीर है, तो वो वेदना का बहुत अच्छा शमन करती है। ये मेरा अपना भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर भी जो बस्ती बताई गई है वो वाकई बहुत अच्छा काम करती है। और बस्ती चिकित्सा वाकई अमेजिंग है, बहुत सारी और बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। सर, लेकिन जैसे बस्ती चिकित्सा अगर लंबे समय करते हैं तो अग्नि मानदेय जैसे नहीं, कुछ मातृवस्ती भी कुछ अगर नहीं हम, होता अग्निमान, मैं अगर मात्रावस्ती के फॉर्म में देते हैं कोई अग्निमान नहीं होता, बल्कि अग्नि और बढ़ जाती है मुझे तो लगता है। जी, जी आप सर मात्रा बिल्कुल मात्रा क्या दे रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर आप उसको जो है हमारे यहाँ जो मात्रा बताई गई है मात्रावस्थी की, आदित्य जी, अगर आप उस मात्रा से देते हैं, मैंने तो 2.5 महीने लगातार लिया और अभी मैंने कल से फिर से चालू किया है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, बहुत बढ़िया। क्योंकि एक तो क्या होता है कि वो पोषण देती है, मल भी एकदम साफ आता है, तो अग्नि तो बढ़ ही जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड अगर पेशेंट है तो उसको भी लाभ मिलता है। जब मल खुल के आता है तो अग्नि वैसे भी बढ़ जाती है, उस एरिया का पोषण भी होता है जहां पर हमें पोषण की जरूरत है, तो बहुत ही अच्छा काम करती है आदित्य जी। अग्निमान तो तब होगा जब आप जो है वो, मैंने यहाँ पे शोधन प्रधान जो बस्ती है, अगर आप उसको लगातार देते हैं तो उस वायु के बढ़ने से शायद ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए बीच बीच में अल्टरनेट करने के लिए जो है अनुवासन बस्ती को देने के लिए देने का विधान है। जी जी सर। मुस्ताद्धात्री हरिद्राणाम पिबेत क्वाथम कफो लवणे सशौद्रम त्रिफलाया वा गुडुचि वा यथा तथा। जी अब इसका अर्थ भी पढ़िए, उसी को तोड़ तोड़ के पढ़ने का प्रयास कीजिए। मुस्ता 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 का मतलब क्या हुआ, नागर नागर वो था, धात्री नागर का मोथा मतलब आंवला हुआ, धात्री हरिद्रा का मतलब हल्दी हुई, है ना। पढ़िए पढ़िए। जी हल्दी के क्वाथ को लवण के साथ कफ को नाश करने के लिए पिए और जी सशौद्रम त्रिफला सशौद्रम का अर्थ सर शोधरम का मतलब यह है शहद के साथ, शहद के साथ। शहद के साथ त्रिफला या गुडुची को इसी प्रकार लें। बहुत बढ़िया। तो यहाँ कहा गया है कि जी सर जी मैं ना कफोल लवण का मतलब कफ 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 की जो उल्वण हो बाहुल्यता या हो, कफ 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 की उल्वण। बाहुल्यता हो, जी हाँ ऐसा नहीं है उल्वण हो। डॉक्टर कि कफ और लवण, वो लवण ही नहीं, कफ कफो उल्वण है। लवण का अर्थ है यहाँ पे कफ बढ़ा हाँ हुआ हो, कफ की प्रधानता उल्वणता होगा। हो, प्रधानता हो, ये बताया है। ठीक है डॉक्टर अच्छा अच्छा जी। जी 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 सर जी सर हाँ, कफोल्वण और कफो, आपने कफ और लवण को अलग कर दिया, तो ये फिर जो है यही संस्कृत में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अभी ठीक है, पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा।
हाँ, टीका तो भगवान अब जो है, साहब अब जो है, अब जो है, नहीं फिर भी आदित्य जी जो है जी वो एक बहुत एलोपैथिक मेहनत डॉक्टर करते साहब हैं, उन्होंने हैं MBBS किया है और फिर भी वो पढ़ा प्रयास कर रहे हैं संस्कृत जी, पढ़ने का। ये बहुत बहुत ही आपके लिए बहुत बढ़िया है, और आप बहुत आगे रेगुलर स्टूडेंट हैं, एकदम और आगे रेगुलर स्टूडेंट हैं और बढ़ बढ़ के आप जो जी है बढ़ बढ़ के पढ़ते हैं, क्यूरियस तो ये अच्छी बात है। बहुत ही क्यूरियस जी 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 चलिए, सर। मुस्ता मुस्ता दीनाम क्वात माक्षिकान वित कफोत्तरे वात शो उणित वात शोणिते वात पिबेत शोणिते पिबेत त्रिफलाया क्वात वा समाक्षिक पिबेत सर्वेण प्रकारेण गुडुचि वा पिबेत चलिए अब मुस्ता इसको भी दीना ट्राई कीजिए इसको पढ़ने का, और हिंदी में मुस्ता पढ़िए। दीना मतलब मुस्ता आदि क्वात को माक्षिकान्वित माक्षिक के बा माक्षिक मधु 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 के साथ शहद के साथ कफ मधु के साथ कफ उत्तरे मतलब बढ़ा कफ हुआ हो, कफ कफ बड़ा हुआ एकदम हो वात शोणिते पिबेत। हाँ, ऐसे वात शोणित में जिसमें कफ प्रधान हो, कफ की प्रधानता हो, उसमें आप हाँ कह रहे हैं, ठीक है ना सर। जी। त्रिफलाया क्वात व समाक्षिक पिबेत त्रिफला या मतलब मधु के साथ क्वात पिए को या लेना है, त्रिफला त्रिफला के साथ क्वाथ की, त्रिफला की क्वाथ के साथ पिए, है ना। या त्रिफला के क्वात के साथ पिए सब्र सर। सर्वेण प्रकारेण गुरुचि व पिबेत इस हाँ, सर्वेण प्रकारेण सभी सभी इन प्रकार सबको के इसमें जो है वह गुड़ुची के साथ आप, गिलोय के साथ आप पिला सकते हैं। कोई और ये बताना चाहते हैं नया जी, तो बताइए जी। नया जी आप गुरुचि भी पढ़िए इसकी टिप्पणी, और कौन पढ़ना चाहेगा। मैं पढ़ू सर। हाँ पढ़िए ना, ऑब्वियसली। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पर जो लिखा 15 नंबर है विजिबल, वही पढ़ती हूँ। नहीं 15 नहीं, चलिए पहले कुछ आप अभी नहीं, 14वां, हाँ 14वें का भी चौदवा थोड़ा लिखा अभी सही लेना करके पड़ेगा, पढ़िए, हाँ 14वें थोड़ा की सही संख्या पर ठीक है, सही चलिए करिए, मैं पढ़ू, 15वें में नहीं ठीक है जाना है अभी। जी ओके। दैट इज मुस्ता धात्री हरिद्राणाम पिबेत क्वाथम कफ उल्बणे सचोद्रम त्रिफलाया वा गुड़चिम वा यथा तथा। तो मुस्ता है मतलब नागर मुथा है, धात्री मतलब आंवला हो गया, और हरिद्रा है, इनका जो क्वाथ बनाना है, ये क्वाथ तब पीना है जब कफ बढ़ा हुआ है। सचोद्रम मतलब मधु के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं शास्त्र में जो चोद्र है, मधु है, शहद है, ये कफ का शमन करता है। तो त्रिफला का क्वाथ बना रहे हैं या इन सारी चीजों का क्वाथ आप बना रहे हैं, तो उसमें आप मधु डाल करके जब पियेंगे तो वातरक्त के केस में, तो बहुत बढ़िया काम करेगा। और गुड़ुची के लिए भी बोला है, हालांकि सबने यूज करके भी देखा होगा, वातरक्त का जो भी मरीज रहता है आप उसको लगातार गुड़ुची घनवट्टी भी दे सकते हैं। और मेरा तो मेन पसंदीदा रहता है कि गुड़ुची सोरस अगर आप फ्रेश फॉर्म में देते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है वातरक्त के केस में। यूरिक एसिड वगैरह जो आजकल बना रहता है तो उसमें प्रॉपर गुड़ुची सोरस दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। संस्कृत टीका में है, मुस्तादी नाम क्वाथ माक्षिक अन्वित कफ उत्तरे वात शोणिते पीवेद। तो वात शोणिते ये सप्तमी विभक्ति है कि वात शोणित में पीना है। तो जो ये मुस्ता धात्री और हरिद्रा का जो क्वाथ है उसमें आप शहद डाल करके जब कफ बढ़ा हो उत्तर 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 मतलब उसमें ज्यादा बढ़ा हुआ है तब आपको डालना है। उसी से तरह से त्रिफला क्वाथ भी तभी पीना है जब उसमें मतलब त्रिफला क्वाथ में माक्षिक शहद डालना है जब क्वाथ बढ़ा हुआ है। और सभी प्रकार के जो वातरक्त होते हैं तो उसमें गुड़ुची डाल मतलब पीजे बहुत बढ़िया काम करता है, या यूं कह सकते हैं कि ड्रग ऑफ च्वाइस जो है वातरक्त की या वात शोणित की जो है गुड़ुची है। तो कुछ लोग अमृतारिष्ट को भी यूज करते हैं, और वात शोणित के केस में अगर कैशोर गुग्गुलू को अमृतारिष्ट के साथ यूज किया जाए, कुछ लोग का अपना एक्सपीरियंस है, तो वहां पर भी बहुत बढ़िया काम करता है। बट मैंने आज तक हमेशा गुड़ुची ही मेन यूज किया है, तो मेरे को ड्रग ऑफ च्वाइस में गुड़ुची अच्छी लगती है इसमें। और साथ में जो भी और भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि जितने भी वात शोणित के मरीज होते हैं उनके दो ही तीन वजह होते हैं, या तो सुकुमार होते हैं या उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है। और वात शोणित के मरीज में एक चीज और कॉमन होती है जो आजकल दिखती है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब वो तीन चीज के मरीज जो होते हैं उनको वात शोणित की या वातरक्त की तकलीफ होती है। तो मेजोरिटी सुकुमार मरीज होते हैं, और या जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम के केस में जो भी पेशेंट्स का रात्रि जागरण वगैरह ज्यादा होता है या और साथ में दिवाशयन, तो उनके साथ ये तकलीफ भी होती है जो जनरली देखा जाता है, या इस तरह के पेशेंट्स देखते हैं जी सर।
मैं सर्वे प्रकार यानी सभी प्रकार के साथ, मतलब ऊपर के जितने भी हैं उनके साथ गुरुची भी डाले हैं। आप उनके साथ भी डाल सकते हैं सर्वेर प्रकारण, मतलब जो सभी प्रकार के वात रखते हैं उन सभी में। अच्छा जैसे मान लो किसी में कफ बढ़ा है और वात रक्त है, तो ऑब्वियस सी बात है वात है, रक्त तो दूषित है ही, रक्त तो दूषित है तो पित्त दूषित होगा तो होगा। और देखेंगे भी आप जनरली ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे सुकुमार मरीज होता है तो कुछ भी उल्टा पुल्टा थोड़ा बहुत भी करेगा तो बहुत जल्दी उसके दोष दूषित हो जाते हैं, क्योंकि सुकुमार जो लोग भी होते हैं उनकी अग्नि हमेशा बहुत मंद होती है, या एक तरीके से कह सकते हो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनकी होती है, तो आज की डेट में तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल मेजोरिटी लोग की है। और स्ट्रेस जी वाला हाँ जो जी फैक्टर है सर वो हर किसी पर काम समझ करता है, और इसी गया तरीके से रात्रि जागरण भी हर किसी का है, क्योंकि हर कोई लेट नाइट सोता है, दिवा सहन सभी का है, क्यों, क्योंकि अधिकतर सनराइज के बाद मेजोरिटी जनता उठती है ना। तो ये तीन, और जितने जो नॉर्मली पेशेंट्स देखने को भी मिलते हैं वात रक्त वाले या यूरिक एसिड के पेशेंट्स आपके सामने बैठते हैं, तो आप देखोगे तो ये तीन हेतु कॉमन मिलेंगे, वो सुकुमार होंगे, वो स्ट्रेस्ड होंगे, और उनका रात्रि जागरण का हेतु होगा और दिवाशयन का होगा। दिवाशयन का इस वजह से कि वो रात में अभी 11-12 बजे कोई सोएगा तो सूर्योदय तक तो नहीं उठेगा, या सूर्योदय से पहले नहीं उठेगा, वो हमेशा सूर्योदय के बाद में उठेगा। और कई सारे लोग का, खास करके लेडीज वगैरह हैं इस केस में, तो वो दिवाशयन भी करेंगी तो इसलिए उनका होता है। तो ये शास्त्रों में भी है, और उस तरीके से आप जब पेशेंट्स देखते हैं, आप अपने यूरिक एसिड के पेशेंट्स को देखेगा सर, हालांकि आप तो कैंसर देखते हो, तो आप उसमें देखना आएंगे इस तरह के केसेस आते हैं। मैम, जी सर, ये त्रिदोष नाशक भी है, त्रिदोष हाँ नाशक है गुरुजी ये, तो आप अपनी है सभी ही रसायन है। सभी रोगियों में दे सकते हैं इसको, कैंसर हाँ मैं तो गुरुजी में यूज भी करती करते हूँ। हैं, कैंसर में भी हाँ दे सकते हैं। त्रिदोष नाशक है, वात कफ पित्त सबका समन करता है, पित्त प्रधानता में इसका ज्यादा ही प्रयोग बताया गया है। जी मैम हाँ उष्णवीर होती है गुड़ची, और जी रसायन की तरह काम करती है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं उष्णवीर है, गर्म करेगी करेगी, जो मैंने यूज किया, मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने लगातार साल भर तक इसका सोरस पिया था, क्योंकि सेंटर पर लगा कर रखा है, तो गुड़ची वाकई बहुत बढ़िया काम करती है। और मैं जैसे हमेशा बताती हूँ कि जो कोई गरीब मरीज रहता था उसको कुछ नहीं मिलता था, तो मैं बोलती थी बेटा ये देख रहे हो ना, इसको उठाओ और पीना शुरू करो, तो भी उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। गुड़ची घन बट्टी के भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, पर जब से मतलब डेंगू का ज्यादा हुआ ना, तो अब क्वालिटी उतनी अच्छी आ नहीं रही है, मतलब पीछे से कुछ है प्रॉब्लम उसमें, मुझे लगता है उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है जितना अगर गुरुची सुरस वाकई मिले तो। और कुछ लोग क्वाथ के फॉर्मेट में भी पीते हैं, मैं फेवर हमेशा गुरुची को गुरुची सुरस के फॉर्मेट में करती हूँ। जी सर, जी मैम, तो यहाँ पे बताया कि गुड़ुचू की आप स्वरस कल्क चूर्ण या क्वाथ का फॉर्म में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने ये भी पढ़ लिया। तो मनीषा मैम आप कुछ बताओ इसका। मैं अभी तो बनवा रही हूँ गुड़ुची का, करीबन 25 किलो गुड़ुची का बनवा रही हूँ, और उसका सत्व निकलवा रही हूँ। सत्व के साथ जो उसका रहता है उसका घनबट्टी बना देती हूँ स्वरस का, और जो वो बचता है कल्क उसको सुखा करके पिसवा के फिर चूर्ण बना करके क्षीर बस्ती में उसका प्रयोग करवाती हूँ। गुड़ुची का हर साल मैं अपना ही बनवा लेती हूँ खुद का ही। चलिए बहुत बढ़िया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, काफी अच्छा है। तो ये हमने इस प्रकार से 14वां सूत्र पढ़ा, अब 15वां सूत्र पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे बताइए। यहाँ पे आशा गुप्ता जी आप पढ़ेंगी, नेहा जी आप पढ़िए, डॉक्टर नेहा जी पढ़ेंगी। चलिए हाँ सर, मैं ये कह रही थी ना कि सर एक बार तिक्त शीर वस्ती का भी डिस्कशन कर लेना चाहिए, उसको ठीक है, कैसे देना तिक्त है। क्षीर वस्ती पर जो है पूरा एक सत्र हुआ है, मैं वो YouTube पे है पूरा, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, जरूर करेंगे उसको, है ना। जरूर, तिक्त क्षीर वस्ती पर कई लेक्चर्स हुए हमारे उसमें प्लेटफॉर्म पे, उन सबका लिंक जो है हमारे साथ में यहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर साहब हैं हमारे जो आयुष दर्पण के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो सारे आप एक मैसेज डालिएगा, वो सारे लिंक्स डाल देंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे एक पूरा सेशन किया जाए, होगा इस पे सेशन। जी तो एक लास्ट ही जो हमारा ये 15वां सूत्र, इसको पढ़ दीजिए फिर समाप्त करते हैं। यथार स्नेह पीतम च वामितम मृदु रुक्षेत, यो यस्यार स्नेह पीतवंत कृत वमनम च मृदु कृत्वा रुक्षेत। सर इसका अर्थ बताइए। बढ़िया बढ़िया, आप तो अर्थ बना सकते हैं, ऐसा क्या है। यथार्थ स्नेह पीतम च वामितम मृदु रुक्षयेत, इसका मतलब है कि यथा स्नेह पीतम, जो जो जिसके योग्य हो, जो जिस प्रकार आर्य, यथा आर्य मतलब जिसकी जो अर्हता हो, और कहते हैं कि आगे कि स्नेह पीतम च वामितम मृदु रुक्षयेत, और स्नेह पीकर, तो निश्चित रूप से हम जब वमन कराते हैं तो हम उसका निश्चित रूप से आभ्यंतर स्नेह पान तो कराते ही कराते हैं,
और अगर मृदु रूप में अगर हो तो कहते हैं रुक्षण, वहां पर आप रुक्षण करें। तो इसको और ज्यादा टीका से और क्लियर करिए, टीका पढ़िए इसकी, तो यहाँ पे वही बात कही है, यो यस्याः स्नेहस्त पीतवंत कृत वमनम च मृदु कृत्वा रुक्षये। यहाँ पर बताया कि जो जो हम जिसको ऐसा लगे हमें, जो अह्य है, जो योग्य है, उसको आप जो मतलब जो जिसको जो योग्य, पहले तो हम ममन जब भी या विरेचन जो भी देखते हैं तो हम योग्य अयोग्य का पहले चयन करते हैं। तो जो योग्य है उसको आप स्नेह पान करा के उसका वमन कराएं, और जो लगता है कि नहीं ये नहीं करा सकते हैं इसमें हम जो है ये जो है, तो उसको आप रुक्षण वहां पर दें। मैडम अंजना जी, इस पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, कोई चरक वर्क आपके पास, आचार्य चरक की, चरक संहिता से कहीं कोई रेफरेंस मिलता है जी? जी अंजना जी, मैडम जी, ये इसको और एक्सप्लेन कीजिए आप जी। सर, नमस्कार सर। सर मैं यही बता रही थी उसमें कि मैं बोल रही थी लेकिन मुझे लगा नहीं कि मैंने यूज कर लिया था। हाँ तो मैं सर मैंने इसमें ये बोल पढ़ा मैंने अभी, उसमें स्पेशली यही बताया गया है कि जब हम अब हम बस्ती चिकित्सा, क्योंकि पहले बता दी गई है बस्ती बात के कारण बता दी गई है, लेकिन यह है कि इन्होंने यहाँ पर फिर हल्का सा पंचकर्म का या बमन का वर्णन कर दिया है यहाँ पर, कि बमन कर्म हम जहाँ पे इंडिकेशन हो, या मतलब कि उसका रोगी का बल और अग्नि बल देख के ही हमें इसका इंडिकेशन देखना है, और तभी हमको जो है वहाँ हल्का बमन कराना है। एक्चुअली मैं पढ़ रही थी तो बड़ी अच्छी, दो बातें मैं आप लोग के सामने डिस्कस करूंगी। जैसे हम सभी जानते हैं, लेकिन यह कि एक बार हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं कि जो ये वात रक्त है, इसका जो बड़ा अच्छे अच्छे नाम दिए गए, इसको आड़े वात भी बोला है, इसको वात बलासक भी बोला है, और इसको कहा खुड वात भी बोला गया है। खुड का बात मतलब यह छोटा होता है, क्योंकि ये है, छोटी संधियों में विकृति पहले इसमें आती है, छोटी संधि इसमें बाधित हो जाती है, इसीलिए इसे खुड वात कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें क्या है, ये वात के आवरण से क्या होता है, रक्त जो है दुष्ट होता है और ये व्याधि बलवान होने लगती है, तब इसको वात बलासक का वर्ण नाम दिया गया है। स्पेशली इसको आढ़े वात या आढ़े रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनरली धनी या आढ़े, मतलब जो जिनमें धनवान लोग होते हैं या फिर वो सुकुमार होते हैं, श्रीमंत होते हैं, अधिक सुखी लोग होते हैं, तो बड़े स्पेसिफिक इन्होंने नाम बताए हैं। और मैडम ने भी एक बहुत अच्छी बात बताई थी गिलोय के बारे में, तो मैं छोटी सी बताऊं कि जो गिलोय है, गिलोय वातग्न है, रक्त दुष्टि को दूर करने वाली है, तिक्त का शायद तिक्त रस प्रधान होने के कारण, और कटु है और पौष्टिक भी है, लेकिन इसकी खासियत ये भी है, तो ये वात रक्त में जो है वो व्याधि प्रतिनिधि द्रव्य माना गया है, और व्याधि प्रतिरोधक द्रव्य के कारण इसका जो हम यूज कर सकते हैं वो गुरुची को हम चूर्ण के रूप में भी यूज कर सकते हैं, गुरुची को सत्व रूप में यूज कर सकते हैं, गुरुची का क्वाथ भी बना सकते हैं, गुरुची घन बटी भी आती है जिसको संशमन बटी भी बोलते हैं, और उसके साथ में हम गुरुची आदि घृत भी ले सकते हैं, और अमृता गुग्गुल हमने सबने पढ़ा है, केशोर गुग्गुल भी पढ़ा है, और अमृता रिष्ट, इतनी सारी परिकल्पनाएं हमारे पास रहती हैं। अगर हम वात रक्त की बात करते हैं तो गुरुची हमारे पास एक व्याधि प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में आती है, तो ये सारी चीजें जो है एक शॉर्ट में व्याधि के बारे में बताई बताई गई है बुक्स में। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम ने काफ़ी और आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारा आज का सत्र यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अब हम मैडम बीना जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई अच्छे से स्वस्ति मंत्र के साथ इस सत्र का समापन करें जी। भगवद गीता का 15वां अध्याय का सूत्र, ऊर्ध्व मूल अध शाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानिम् यस्तम वेद स वेदवीत्। यहाँ पे बोल दिया है कि वृक्ष से, ये जो भौतिक जग है उसकी तुलना एक वृक्ष से की है, मगर ये वृक्ष उल्टा है। जैसा जल में एक वृक्ष की प्रतिमा देखी जाए तो वो उसकी मूले ऊपर दिखेगी और वो वृक्ष नीचे दिखेगा, वैसा ये जगत है, ऐसी तुलना की है ये श्लोक। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, प्रणाम हमारे साथ सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए और इतने अच्छे अच्छे सूत्रों को पढ़ने के लिए, इसके व्याख्या करने के लिए। आप सबका दिन शुभ हो, आप सबको प्रणाम, नमस्कार।